तो देखिए आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। देश का एजेंडा तय करने वाली मीटिंग नीति आयोग की यानी गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल होने पहुंच गई हैं। नीति आयोग की मीटिंग में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम, ये भी दूरी बनाते नजर आए हैं। तो नीति आयोग की इस बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसमें ना पहुंचने वालों की लिस्ट भी है, और पहुंचने वालों में अगर विपक्षी दलों की आप बात करें तो ममता बनर्जी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और अब इस मीटिंग की जो इंटरनल डिटेल है वो हम आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ चीजें चल रही हैं ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा मोटा मोटी समझ लेते हैं कि क्या है ये बैठक और किस तरीके से इसे आयोजित किया जाता है। नीति आयोग की इस बैठक की बात कर ले तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, और विकसित भारत यानी 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने की रणनीति पर चर्चा होती है। विरोध कौन कौन कर रहा है? अगर आप विरोध की बात करेंगे तो ज्यादातर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनका विरोध सामने आया। कहा यह जा रहा है कि जो बजट सामने आया उसमें पक्षपात किया गया है। आरोप, बजट आवंटन में भेदभाव, यानी अगर बजट ही क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो हम नीति आयोग की इस बैठक में बैठ के क्या करेंगे और किस पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर के इस बैठक से दूरी बनाने वाले राज्यों की भी लिस्ट सामने है, लेकिन ममता बनर्जी जरूर शामिल हुई है जो गैर बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री नहीं है, और उसमें यहां उनका आना इस पर निगाहें टिकी हुई है, और इस बैठक की शुरू होने की तस्वीर भी आ चुकी है। नीति आयोग की बैठक में लगातार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्रियों का कहना है कि पीएम के नेतृत्व में देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने जा रही, मैं स्वयं उसमें शामिल होने जा रहा हूँ, और जैसा कि हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश पे ध्यान दिया जा रहा, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहता है, इसी कारण से मैं स्वयं भी मध्य प्रदेश की ओर से आज इस बैठक में शामिल हो रहा हूँ। और हमारे कई सारे अलग अलग प्रकार के नवाचार भी है, कई काम हमारी सरकार ने किए भी हैं, कई करने की संभावना भी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी कामों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। आज नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के विकास के बारे में भी चर्चा होगी, केंद्र सरकार के सहयोग के बारे में चर्चा होगी, और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो सपना आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको पूरक हमारा महाराष्ट्र राज्य काम कर रहा है। निश्चित रूप से उनके $5 ट्रिलियन के लिए सपने के लिए $1 ट्रिलियन का जो महाराष्ट्र का गोल है वो भी अचीव करने के लिए हमारी सरकार काम करे। तो मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है ये आपने सुन लिया। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली। मनोज्ञा लोहिवाल हमारी सहयोगी हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है मनोज्ञा कि कौन आया कौन नहीं आया, और उसके बाद बाकी की अपडेट्स। देखिए, आपने जिन लोगों के आने और नहीं आने की बात थी ये तो बता दी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज कम से कम यहाँ पर राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में जहाँ पर आज ये बैठक हो रही है, 9th गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग जिसका नाम दिया गया था 2015 में तो इसका गठन किया गया था, बट ये 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है। पर ये पहला मौका है जब बीजेपी के साथ घटक दलों के साथ यानी कि NDA की सरकार है और पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और विपक्षी दलों का होना और विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री का होना एक बात तो साफ कर देता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर आज सवाल उठाए जाएंगे। सवाल इसलिए भी उठाए जाएंगे क्योंकि बजट सत्र के दौरान इस नीति आयोग की बैठक के साथ साथ जो अंतर है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में वो हमेशा रहा है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच रही है प्लानिंग कमीशन की, लेकिन अगर आप इसकी नीति आयोग की बात करें तो यहाँ बॉटम टू टॉप अप्रोच है और यही अंतर है। पर आज की बैठक हो रही है 2047 में विकसित भारत की तस्वीर कैसी होगी इस पर मंथन करने के लिए और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बैठक में आज
यहाँ पर कई सारे कैबिनेट मंत्री, क्योंकि वो भी इसका हिस्सा होते हैं, जिसमें गृह मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर लगभग हर मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और आला नेता भी शामिल होते हैं बतौर मंत्री ही। आज जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनमें ममता बनर्जी सबसे मुख्य हैं, क्योंकि वो मुखर तौर पर अपनी बात रखती रही हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में मोहन यादव या हो, या मध्य प्रदेश से, या फिर एकनाथ शिंदे हो महाराष्ट्र से, बिल्कुल मन हो गया। और देखिए ये बहुत अहम है कि आज ममता बनर्जी इस मीटिंग में है और वो कह रही हैं कि योजना आयोग की बातें कर रही हैं लेकिन नीति आयोग की मीटिंग में है। किस तरीके की अपडेट्स आती है आपके जरिए हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया मनोज्ञा जानकारी के लिए।